डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर नाइन, एक्सरसाइज 54, और इसमें ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट वाला ऐड है जिसको बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले भर दिया है, इसको मैंने बनाया था लेकिन थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हो गया है। इसके अलावा ये क्लियर दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो जो डाला था उसको मैंने डिलीट कर दिया है और फिर से मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है तीन क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास, तो इसको ऐड करना है। ऐड काफ़ी इजी होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है। इसको पॉइंट है तो इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, सिंपली जो ऐड करते हैं 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 के 6 1 बच गया, 8 6 14 14 और 1 15 हो गया, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, 15 के 5 1 फिर बच गया हाथ में, 4 3 7 हो गया और 1 8 हो गया, कम्प्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 3 12 2 1 बच गया, 6 7 13 और 1 14 हो गया, फिर 1 बच गया है, पॉइंट लगा दिए, 5 1 6 और 1 7 हो गया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 9 3 12 2 फिर 1 बच गया और 8 और हाथ वाला 1 9 हो गया, पॉइंट लगा दिए, 8 3 11 1 हो गया, फिर हाथ में 1 बच गया है, 1 और 7 8 हो गया, कंप्लीट हो गया। 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 5 6 तीन और क्वेश्चन मैंने ले लिया है, यहाँ पर ऐड करते हैं, 8 9 17 हो गया, तो 17 का 7 1 बच गया है, 7 8 15 हो गया, 15 और 1 16 फिर 1 बच गया है, पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 5 और हाथ वाला 1 6 हो गया, और यहाँ पे 8 9 17 हो गया, 17 का 7 हो गया, 1 बचा हुआ है, 1 और ये 1 2 हो गया, 2 ये कंप्लीट हो गया, 6 9 15 होता है, 15 5 हो गया, तो 1 बच गया हाथ में, फिर 15 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, फिर 1 बच गया है, 2 और हाथ वाला 1 3 हो गया, पॉइंट और यहाँ पे 12 और 3 15 हो गया, तो यहाँ 15 कंप्लीट हो गया, ये 3 लेयर में ये दिया हुआ है। यहाँ पे 9 और 6 15 15 और 3 18 हो गया, 18 8 हो गया, तो 1 बचा हुआ, 8 7 15 और हाथ वाला 1 15 16 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद 16 1 बचा हुआ हाथ में, 8 2 10 हो गया, 10 और 1 11 और हाथ वाला 12 हो गया, 2 फिर 1 बचा हुआ है और ये 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 6 नंबर तक हो गया है। और आगे ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 8 और 9, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 5 6 5 11 हो गया, 1 हाथ में 1 बच गया, 7 4 8 4 12 हो गया, 12 और 7 तो 7 2 9 मतलब 19 और हाथ वाला 1 20 हो गया, तो 0 हाथ में 2 बच गया, 8 9 8 17 हो गया, 17 और 3 20 हो गया, 20 और हाथ वाला 2 22 2 बच गया, 2 लिखते हैं यहाँ पे, 4 और 1 5 और 2 7 हो गया, कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे 6 9 15 1 बच गया, 9 3 12 और 1 13 हो गया, 3 फिर 1 बच गया है, तो 8 और 1 9 हो गया, अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है, 9 6 15 16 17 17 का 7 हो गया, अब 1 बचा हुआ है और ये 1 2 हो गया, कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे 10 7 3 10 0 हाथ में 1 बच गया, 8 9 17 17 और 1 18 हो गया, हाथ में 1 बचा हुआ है, 7 4 11 11 और 5 16 16 और हाथ वाला 17 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 12 हो गया, 8 4 12 और 1 13 हो गया, और फिर 1 बचा हुआ है और ये 1 2 हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 10 में, एक्सरसाइज 54 का क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के पास, तो हम लोग इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 8 दिया हुआ है 10 में, और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है ए नंबर में 44 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ से यहाँ एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ एक पार्ट हो गया, तो यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है बिफोर एडिंग कन्वर्ट इन टू हायर यूनिट्स, तो जोड़ने से पहले जो है इसको हायर यूनिट में लिखना है, तो हायर यूनिट इन दोनों में से हायर यूनिट हो गया सेंटीमीटर, मतलब 44.9 अगर हम लिखते हैं तो उतना सेंटीमीटर हो गया। तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर में पहले जैसे हम लोग ऐड बना चुके थे उसी तरह से लिखना है, जैसे यहाँ मीटर लिखा हुआ है इसी तरह से। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 10 का क्वेश्चन नंबर ए और बी है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ 9 और 8 17 हो गया, तो 17 का 7 हो गया, हाथ में 1 बच गया है, 1 और 4 5 हो गया और 4 और 3 7 हो गया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो 9 5 14 हो गया, 14 का 4 हो गया, हाथ में 1 बच गया है, 7 2 9 और 1 10 हो गया, 0
हाथ में वन बचा हुआ है एट, और हाथ वाला वन नाइन हो गया, सेवन और वन एट हो गया। तो ये होगा मीटर में इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट दो पार्ट और है और आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी और डी पार्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से सजाना है। आप क्वेश्चन को देख लें और इस तरह से सजा लें, उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करना है। थ्री लेयर में दिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 9 9 18 हो गया, 18 और 5, तो 18 और 2 20 हो गया, और 3 23 हो गया। तो 3 यहाँ लिख देते हैं, 2 बचा हुआ है। अगर याद नहीं है तो याद आप रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है 15 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, 17 का 7 हाथ में 2 बच गया है, 7 2 9 हो गया, और 9 9 9 18 हो गया, 18 और हाथ में 2 बचा हुआ है। तो 18 और 2 20 हो गया, 0 यहाँ हो गया, और फिर 2 बच गया है, तो 7 1 7 1 8 हो गया, और 2, फिर 8 2 10 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 बच गया है, तो 1 और ये 1 2 हो गया। तो इतना मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 9 18 हो गया, और 5 यहाँ पे हो गया, 20 और 3 23 हो गया, तो यहाँ पे 3 2 बच गया हाथ में, और यहाँ पे 7 3 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 1 बच गया है, और 8 और 1 9 हो गया। पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, 9 3 12 1 13 हो गया, 3 1 बच गया, और 2 1 3 और 1 4 43 पॉइंट इतना हो गया। ये किलोमीटर में आ जाएगा, किलोमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है।